2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की चुनावी धुरी पर फरवरी के पहले हफ्ते में उत्तर प्रदेश में सियासत की चाल बढ़ने लगी है। दरअसल योगी सरकार का प्लान अगले दो महीने में सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में रोजगार मेला आयोजित करने का है, जिसकी शुरुआत आजमगढ़ की दीदारगंज विधानसभा क्षेत्र से होगी। इस बारे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही निर्देश जारी कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश की हर विधानसभाओं में रोजगार मेला लगाने का उन्होंने आदेश दिया है। 100 वो विकास खंड जो पिछड़े हैं, कमजोर हैं, संबंधित अधिकारियों से हमारी वार्ता हो गई है। 3 जनवरी से हम इसकी शुरुआत पूर्वांचल के आजमगढ़ जनपद से, दीदारगंज विधानसभा से हम करने जा रहे हैं। योगी सरकार का सबसे ज्यादा फोकस बुंदेलखंड और पूर्वांचल पर है, जिसे 2024 के लोकसभा चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा पूर्वांचल की गाजीपुर, जौनपुर, घोसी और लालगंज सीट पर हार गई थी। ऐसे में माना जा रहा कि भाजपा रोजगार मेले के जरिए जमीन पर पार्टी की पकड़ मजबूत करना चाहती है। जो एक बेरोजगारी की समस्या है, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश को आप अगर देख लें, उससे थोड़ा वहाँ एक है सुविधा, NCR है, और दिल्ली के करीब रहने के नाते वहाँ के नौजवानों के पास एक विकल्प होता है। लेकिन पूर्वांचल और हमारा जो बुंदेलखंड है, थोड़ा इस मामले में पीछे रह जाता है। तो हम वहाँ से शुरू करने जा रहे हैं, हालांकि दो महीने के अंदर तो पूरी विधानसभाओं में ही हमको कर। वार्षिक बजट की विभागवार समीक्षा बैठक में सीएम योगी ने रोजगार मेले के साथ ही विभागों को आवंटित धन सुनियोजित तरीके से खर्च करने के निर्देश दिए थे। सूत्रों के मुताबिक रोजगार मेले के जरिए 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा उन सभी सीटों पर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहती है, जिन सीटों पर भाजपा 2019 के लोकसभा चुनाव में कम अंतर से हार गई थी, या फिर भाजपा की जीत का अंतर कम रहा था। इसके अलावा भाजपा उन सीटों पर भी फोकस कर रही जहां उसे अपनी पकड़ कमजोर लग रही। पूछना चाहते हैं कि रोजगार कहां पर है? ये जरूर किसी न किसी इवेंट कंपनी को फायदा पहुंचाने का कार्यक्रम है, क्योंकि यूपी में जब हम सदन में पूछते हैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को कि आप एक व्हाइट पेपर जारी करो कि नौकरियां कहां हैं, अब आप ये कह रहे हैं कि आप विधानसभा में जाके पकड़ पकड़ के नौकरी देंगे। तो सवाल ये कि जब आप पकड़ के नौकरी देंगे, तो जब यूपी का युवा जब लखनऊ में आता है प्रदर्शन करने, शिक्षकों की नौकरियां मांगने, आप लाठी की सभी 80 सीटों पर जीत की तैयारी में जुटी भाजपा जमीन पर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, जिससे विपक्ष के दलों को मौका मिल सके।